आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास है यानी द्रव्यमान केंद्र है उसकी गति कैसे होती है उसके विषय में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा जानने के बाद अब हम इस स्थिति में हैं कि यन कणों के एक निकाय यानी सिस्टम के लिए इसके भौतिक महत्व की विवेचना कर सकें। समीकरण 6.4D को हम फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं। तो समीकरण 6.4D को हम फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जैसा हमने एन कणों के एक सिस्टम के लिए लिखा था 6.4D जो इक्वेशन प्राप्त हुआ था पीछे जब हम NCERT पढ़ रहे थे, तो इसी को आगे अब क्योंकि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की गति बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए m इंटू आर हो जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा सबका एक तरह से समेशन, तो संकलन जिसको कहेंगे, तो ये आ जाएगा चिन्ह का नाम सिग्मा लिखा गया है। तो एम आई आर आई इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 करके जितना मान लीजिए n नंबर है तो mn हो जाएगा और rn हो जाएगा एक पार्टिकल का रेडियस। तो ये हो गया 6.7 समीकरण, ऐसा हमने पीछे पहले कर चुके हैं। अब समीकरण के दोनों पक्षों को समय के सापेक्ष समाक अवकलित करने पर, समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन, अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन, तो m इंटू dr अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt प्लस डॉट 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 प्लस mn drn अपॉन dt। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये दूरी जैसा है ये समय है, छोटे पार्ट में है इसलिए dr अपॉन dt लिखा गया। डेल्टा का मतलब थोड़ा बड़ा पार्ट और डी का मतलब थोड़ा सा उससे भी छोटा पार्ट, बहुत छोटा जीरो के लगभग पार्ट। तो dr अपॉन dt यानी दूरी बटे समय, इसी को हम चाल कहते हैं। और चूंकि r कैपिटल में है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दिशा भी आ जाएगी, तो दिशा के साथ जब चाल होती है तो उसी को हम वेग कहते हैं या विलास्टी कहते हैं। तो इसलिए m इसकी जगह में v लिख दिया बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn, ये हमारा 6.8 इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जहां पर v1 जो है dr1 अपॉन dt प्रथम कण का वेग है, v2 यानी dr2 अपॉन dt दूसरे कण का, इत्यादि इत्यादि, मतलब इसी प्रकार से आगे। और v बराबर dr अपॉन dt कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग है। तो इस प्रकार से हम लोग एक फार्मूला हमें प्राप्त हुआ कि कणों के निकाय का अगर वेग निकालना हो तो इस फार्मूले को हम लोग लगा करके निकाल सकते हैं। और जहां पर कौन क्या है ये नीचे लिखा गया है, इसके माध्यम से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि ध्यान दें कि हमने यह मान लिया है कि m1 m2 आदि के मान समय के साथ बदलते नहीं हैं। ध्यान दीजिए यह बात मानी जा चुकी है, तो इस चीज को भी हमें अंडरलाइन कर लेना है कि ध्यान दें कि हमने यह मान लिया है कि जो द्रव्यमान है कणों के वो नहीं बदलते हैं समय के साथ, टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज नहीं बदलती। अब आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है इसलिए समय के सापेक्ष समीकरणों को अवकलित यानी डिफ्रेंशिएट करते समय हमने उनके साथ अचरांकों जैसा व्यवहार किया है। अचरांक का मतलब कांस्टेंट्स, मतलब जो चेंज नहीं होते, चर का मतलब चेंज होने वाले, अचर का मतलब जो चेंज ना हो, तो अचरांक मतलब कांस्टेंट्स।
तो वही कह रहा है कि इसीलिए समय के सापेक्ष समीकरणों को अवकलित करते समय हमने उनके साथ अचरांकों जैसा व्यवहार किया। अब समीकरण 6.8 को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर, अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एम वन डी वी वन अपॉन डी टी प्लस एम टू डी वी टू अपॉन डी टी से लेकर के एम एन डी वी एन अपॉन डी टी तक हो जाएगा। तो जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय यानी विलास्टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी प्रकार से एक्सीलरेशन इक्वल टू विलास्टी अपॉन टाइम, चेंज इन विलास्टी अपॉन टाइम, नॉट विलास्टी अपॉन टाइम। तो चेंज के लिए डी लगा है, तो डी वी अपॉन डी टी हमारा क्या है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। तो इसकी जगह ए रख दिया तो एम ए इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस डॉट डॉट एम एन ए एन आ गया। तो जहां ए वन इक्वल टू डी वी वन अपॉन डी टी प्रथम कण का त्वरण यानी एक्सीलरेशन है, ए टू इक्वल टू डी वी टू अपॉन डी टी दूसरे कण का त्वरण है इत्यादि, और ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी कणों के निकाय के द्रव्यमान का केंद्र का त्वरण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर एक इक्वेशन और ये प्राप्त की, जिस प्रकार से यहाँ विलास्टी निकालना है तो ये त्वरण यानी एक्सीलरेशन निकालेंगे, और जो चीज ऊपर लिखी थी उसी प्रकार से वहाँ विलास्टी के लिए थी, यहाँ पर एक्सीलरेशन के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अब न्यूटन के द्वितीय समीकरण द्वितीय नियमानुसार पहले कण पर लगने वाला बल है एफ वन बराबर एम वन ए वन, दूसरे कण पर लगने वाला बल है एफ टू इक्वल टू एम टू ए टू इत्यादि। तब समीकरण 6.9 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऊपर विलास्टी निकाली, फिर इसके बाद हमने एक्सीलरेशन निकाला, और अब ये फोर्स हो गया क्योंकि एम इंटू ए इक्वल टू फोर्स होता है, तो एम ए इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस डॉट डॉट एफ एन तक आ जाएगा। अतः कणों के निकाय यानी सिस्टम के कुल द्रव्यमान को द्रव्यमान केंद्र के त्वरण से गुणा करने पर हमें उस कण निकाय पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब कह रहा है कि ध्यान दें कि जब हम पहले कण पर लगने वाले बल F1 की बात करते हैं तो यह कोई एकल बल नहीं है, बल्कि इस कण पर लगने वाली सभी बलों का सदिश योग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी F1, F2 या किसी की भी बात करेंगे तो अकेला नहीं है, बल्कि जितने बल हैं उनका जो वेक्टर एडिशन है वो है हमें प्राप्त हुआ है। यही बात हम अन्य कणों के विषय में भी कह सकते हैं। प्रत्येक कण पर लगने वाले इन उन बलों में कुछ बाह्य बल होंगे यानी एक्सटर्नल फोर्स होंगे, जो निकाय से यानी सिस्टम से बाहर के पिंडों द्वारा आरोपित होंगे, और कुछ आंतरिक बल होंगे यानी इंटरनल फोर्स होंगे, जो निकाय यानी सिस्टम के अंदर के कण यानी पार्टिकल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम से हम जानते हैं कि ये आंतरिक बल सदैव बराबर परिमाण के और विपरीत दिशा में काम करने वाले जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, और इसीलिए समीकरण 6.10 में बलों को जोड़ने में इनका योग शून्य हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, सेकंड लॉ जो है न्यूटन का वो एफ इक्वल टू एम ए है, थर्ड लॉ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्सिया है, सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए है, और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसमें कोई किसी पर जो बल लगाता है उसके विरोध में विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है, तो एक बल दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो जितने भी आंतरिक बल हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा है कि समीकरण 6.10 में बलों को जोड़ने में उनका योग शून्य हो जाता है, समीकरण में केवल बाह्य बलों का योगदान रह जाता है। तो इंटरनल फोर्स जो है
क्योंकि एक्शन रिएक्शन न्यूटन का कहता है कि क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है, एक्शन के इक्वल रिएक्शन होती है। तो आंतरिक बल जितने हैं इंटरनल फोर्स, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए उनका योग यानी एडिशन जीरो हो जाएगा। तो केवल योगदान अब किसका रह जाएगा उस पिंड पर, बाह्य बलों यानी एक्सटर्नल फोर्स का। तो समीकरण 6.10 को फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एम एच इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, जहां एफ एक्सटर्नल निकाय के कणों पर प्रभावी सभी बाह्य बलों का सदिश योग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल फोर्स के द्वारा पिंड पर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी, क्योंकि जितने भी फोर्स हैं हमारे इंटरनल, वो एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन ला के हिसाब से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है समीकरण 6.11 ये जो निकल के आई है बताती है कि कणों के किसी निकाय यानी सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास इस प्रकार गति करता है, मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी पर आरोपित हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात निकल करके सामने आ गई कि जो सेंटर ऑफ मास मोशन में है, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारे के सारे जो फोर्स हैं वो उसी सेंटर पर संकेंद्रित यानी कॉन्सेंट्रिक हों, जैसे एक छोटा वृत्त बना दिया जाए सर्किल, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, उनका सेंटर एक ही हो, तो उनको कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्रित हिंदी में बोलते हैं। तो उसी प्रकार फोर्स भी, एक्सटर्नल फोर्स भी संकेंद्रित यानी कॉन्सेंट्रिक होंगे, किसके, सेंटर ऑफ मास। अब आगे देखे कह रहा है कि ध्यान दें कि द्रव्यमान केंद्र की गति के विषय में जानने के लिए कणों के निकाय के आंतरिक बलों के विषय में कोई जानकारी नहीं चाहिए, इस उद्देश्य के लिए हमें केवल बाह्य बलों के लिए ही जानने की आवश्यकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स हैं अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि उनका कोई योगदान नहीं है मोशन में, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से जितना क्रिया होती है उसके विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है, तो एक बल दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिससे उनका प्रभाव शून्य हो जाता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि समीकरण 6.11 व्युत्पन्न करने के लिए यानी डिराइव करने के लिए हमें कणों के निकाय की प्रकृति सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि पार्टिकल जो है किसी सिस्टम के उनका नेचर कैसा। निकाय कणों का ऐसा संग्रह भी हो सकता है जिसमें तरह तरह की आंतरिक गतियां हों और शुद्ध स्थानांतरण गति करता हुआ अथवा स्थानांतरण एवं घूर्णी गति के संयोजन युक्त एक दृढ़ पिंड भी हो सकता है। निकाय कैसा भी हो और इसके अवयवी कणों में किसी भी प्रकार की गतियां हों, इसका द्रव्यमान केंद्र समीकरण 6.11 के अनुसार ही गति करेगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइनें भी हैं कि कोई भी सिस्टम है उसमें जो पार्टिकल का नेचर है उसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो यानी स्थानांतरण गति हो, या रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति हो, या ट्रांसलेशनल और रोटेशनल यानी स्थानांतरण और घूर्णी दोनों गतियां हो, 6.11 समीकरण के अनुसार ही वो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा। तो अब हमको ये ध्यान नहीं देना है कि किस प्रकार की गतियां हो रही हैं पार्टिकल में, पूरे सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करेंगे तो समीकरण 6.11 जो अभी हमने यहाँ पढ़ा इसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है परिमित आकार के पिंडों को यानी जिसका आकार निश्चित हो, सीमित हो, तो परिमित आकार के पिंडों को एकल कणों की तरह व्यवहार में लाने के बजाय यानी एक एक कणों की तरह व्यवहार की
में लाने के बजाय हम उन अब हम उनको कणों के निकाय की तरह व्यवहार में लाएंगे, यानी पूरे पार्टिकल का एक सिस्टम। हम उनकी गति का शुद्ध स्थानांतरी अवयव यानी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति का ज्ञान कर सकते हैं। इसके लिए बस पूरे निकाय का कुल द्रव्यमान और निकाय पर लगे सभी बाह्य बलों को निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर प्रभावी मानना होगा। तो मान लीजिए कोई ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ सिस्टम है यानी स्थानांतरण गति है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पूरे निकाय का कुल द्रव्यमान और निकाय पर लगने वाले सभी बाह्य बलों, ध्यान दीजिए बाह्य बलों, एक्सटर्नल फोर्स को निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर प्रभावी मानना होगा, कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है जो मोशन कर रहा है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हमारा पूरा काम आसान हो जाएगा। तो इतनी बारीकी से इस एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसके अगर एक एक बात को आप समझते चलेंगे तो किसी भी प्रकार का नीट या आईआईटी का क्वेश्चन हो आपसे गलती नहीं होगी। अब देखे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यही कार्यविधि हमने पिंडों पर लगे बलों के विश्लेषण और उनसे जुड़ी समस्या के हल करने के लिए अपनाई थी। यही काम हमने किया था, हालांकि इसके लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था। अब हम यह समझ सकते हैं कि पूर्व के अध्ययनों में हमने बिन कहे ही यह मान लिया था कि निकाय में घूर्णी गति एवं कणों के आंतरिक गति या तो थी ही नहीं और यदि थी तो नगण्य थी। तो इसके पहले जो हमने स्टडी की एनसीईआरटी की, तो उसमें हम ये मान लिए थे, कह रहा है कि अब हम यह समझ सकते हैं कि पूर्व के अध्ययनों में हमने बिन कहे ही यह मान लिया था कि निकाय में घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन एवं कणों के आंतरिक गति यानी इंटरनल मोशन कोई भी हो सकती है, या तो थी ही नहीं और यदि थी भी तो नगण्य थी। तो कहने का मतलब रोटेशनल ट्रांसलेशनल या किसी भी इंटरनल मोशन की जो बात होती कण में, वो या तो थी नहीं या फिर वो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था क्योंकि बहुत कम थी। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आगे से हमें यह मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आगे से हमने पूरा चूंकि अच्छे से समझ लिया तब ये मानने की जरूरत नहीं रहेगी, ना केवल हमें अपनी पहले अपनाई गई पद्धति का औचित्य समझ में आ गया, वरन हमने यह विधि भी ज्ञात कर ली है जिसके द्वारा ऐसे दृढ़पिंड की जिसमें घूर्णी गति भी हो, एक ऐसे निकाय की जिसके कणों में तरह तरह की गतियां हो, स्थानांतरण गति को अलग करके समझाया जा सकता है। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे ट्रांसलेशनल मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन हो, किसी प्रकार का मोशन हो किसी बॉडी में, हम अच्छे से समझ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए नीचे एक फिगर बनाया है किसी प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल के खंडों का, वो द्रव्यमान केंद्र विस्फोट के बाद भी उसी परवलयकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा जिस पर यह विस्फोट न होने पर चलता है। तो देखिए फिगर बनाया गया है, एक कोई बॉडी है उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है यानी फेंका गया है। तो जब फेंका गया तो ये देखिए ऐसे 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 जमीन पे यहाँ पर गिरती, अगर जो है ये विस्फोट ना होता, ब्लास्ट ना होता, लेकिन ये चूंकि ब्लास्ट हो गया है तो ब्लास्ट होने के बाद कण चाहे जिधर बिखर जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास उसी प्रकार चलेगा जैसे पहले चल रहा है। तो इसीलिए डॉट डॉट लाइन करके लिखा है द्रव्यमान केंद्र का मार्ग। तो पार्टिकल चाहे जहां भी विस्फोट होने के बाद जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास उसी डायरेक्शन में जाएगा जैसे पहले जा रहा था। अब देखिए कह रहा है कि चित्र 6.12 समीकरण 6.11 को स्पष्ट करने वाला एक अच्छा उदाहरण है। तो 6.11 यानी एफ इक्वल टू जो 6.11 जो समीकरण था एम ए इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, तो इसको अच्छे से ये बात समझा रहा है ये चीज हमको कि इसमें चाहे ट्रांसलेशनल गति आ जाए
चाहे रोटेशनल गति आ जाए, चाहे दोनों आ जाए पार्टिकल में, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो इसमें विस्फोट हुआ है, ये इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, आंतरिक बल की वजह से, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसलिए एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहा है कि चित्र 6.12 समीकरण 6.11 को स्पष्ट करने वाला एक अच्छा उदाहरण है। अपने निर्धारित परवलयाकार पथ यानी पैराबोलिक पाथ पर चलता हुआ एक प्रक्षेप हवा में फटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। विस्फोट कारक बल आंतरिक बल है, इसलिए उनका द्रव्यमान केंद्र की गति पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो चूंकि इंटरनल फोर्स की वजह से ब्लास्ट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई फर्क नहीं। प्रक्षेप और उनके खंडों पर लगने वाला कुल बाह्य बल विस्फोट के बाद भी वही है जो विस्फोट से पहले था, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही हमारा एक्सटर्नल या बाह्य बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए उसी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो उसी डायरेक्शन में। अतः बाह्य बल के अंतर्गत प्रक्षेप के द्रव्यमान केंद्र का परवलयाकार पथ यानी पैराबोलिक पथ विस्फोट के बाद भी वही बना रहता है जो विस्फोट न होने की स्थिति में होता है। तो यहां पर देखिए, ये इतना जो बहुत जरूरी है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। अब आगे देखिए, हमने मोशन के बारे में पढ़ा, अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है कणों के निकाय का रेखीय संवेग, लिनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान दीजिए, संवेग यानी मोमेंटम नहीं, लिनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हैं जो आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो यहाँ पर रेखीय संवेग की हम लोग बात करेंगे। तो कह रहा है, आपको याद होगा कि रेखीय संवेग यानी लिनियर मोमेंटम की परिभाषा करने वाला व्यंजक क्या था, P इक्वल टू एम वी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। और एकल कण के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को हम सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं, अगर एक ही कण हो तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, सिंगल पार्टिकल के लिए, एकल कण मतलब सिंगल पार्टिकल, उसके लिए एफ बराबर डी पी अपान डी टी हो जाएगा। अगर कई होते तो डी पी वन अपान डी टी प्लस डी पी टू अपान डी टी से लेकर के डी पी एन अपान डी टी तक लिखते हैं, लेकिन एक ही है तो डी पी अपान डी टी हो गए। यहाँ एफ कण पर आरोपित बल है। आइए अब हम एन कणों के एक निकाय पर विचार करें जिनके द्रव्यमान क्रमशः एम वन एम टू से लेकर के एम एन है और वेग क्रमशः वी वन वी टू से लेकर के वी एन है। यहां तक तो कण परस्पर अन्योन क्रियारत हो सकते हैं और उन पर बाह्य बल भी लगे हो सकते हैं। कण परस्पर अन्योन क्रियारत हो सकते हैं यानी एक दूसरे पर इंटरेक्शन हो सकता है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि वेयर एफ इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल विद मासेज एम वन एम टू से लेकर एम एन तक रेस्पेक्टिवली एंड वेलोसिटी वी वन वी टू से लेकर के वी एन तक रेस्पेक्टिवली। द पार्टिकल मे बी इंटरैक्टिंग यानी अन्योन क्रिया इंटरैक्टिंग एंड हैव एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो वही कह रहा है कि कण परस्पर अन्योन क्रियारत हो सकते हैं और उन पर बाह्य बल भी लगे हो सकते हैं, यानी अन्योन क्रियारत मतलब आपस में एक दूसरे में क्रियारत हो सकते हैं या उनमें और उनमें बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स भी लगे हो सकते हैं। तो पहले कण का रेखीय संवेग एम वन वी वन, दूसरे का एम टू वी टी और इसी प्रकार अन्य कणों के रेखीय संवेग भी है। तो अब आगे देखते हैं, एन कणों के इस निकाय का कुल रेखीय संवेग एकल कणों के रेखीय संवेग के सदिश योग के बराबर है। तो एक एक कण का जैसे निकाल रहे थे, अगर हम टोटल निकालेंगे
तो इनका वेक्टर एडिशन कर दें, क्योंकि रेखीय संवेग हमारा वेक्टर राश वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन ही हम लोग करेंगे। तो p इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस ले करके पी एन तक हो जाएगा। तो अब p इक्वल टू एम वी है, तो अलग अलग कणों के लिए p1 के लगे m1 v1 प्लस p2 पे m2 v2 प्लस pn पे mn vn हो जाएगा। तो इस समीकरण की समीकरण 6.8 से अगर हम तुलना करें तो p इक्वल टू एम वी हो जाएगा। तो जैसे हमने ऊपर सारे समीकरण निकाले उसी प्रकार ये भी हो गया, और अगर एक साथ लिखेंगे तो p इक्वल टू एम वी हो जाएगा। अतः कणों के एक निकाय का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा उनके द्रव्यमान केंद्रों के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, हजारों बार आप कक्षा 8 के बाद पढ़ते चले आए होंगे। अब समीकरण 6.15 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब समय के सापेक्ष अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें डिफरेंशिएशन कर दें तो dp अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा m, और ये dp इक्वल टू mv होता है, तो m चूंकि मास कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा, और dv अपॉन dt वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं यानी एक्सीलरेशन, तो इसलिए a लिख दिया। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे डायरेक्ट चेंज करके क्वेश्चन नीट में पूछ लेता है। समीकरण 6.16 एवं समीकरण 6.11 की तुलना करने पर, अब तुलना अगर करेंगे तो dp अपॉन dt इक्वल टू f एक्सटर्नल हो जाएगा, क्योंकि ma इक्वल टू f एक्सटर्नल पीछे पढ़ चुके हैं। यह गति के न्यूटन के द्वितीय नियम का कथन है जो कणों के निकाय के लिए लागू किया गया है। यदि कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य हो तो समीकरण 6.17 के आधार पर dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो या p इक्वल टू अचरांक है। अचरांक मतलब कांस्टेंट है। तो वही कह रहा है कि यदि कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य हो, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाएंगे, उनका एडिशन जीरो हो जाएगा, तो dp अपॉन dt भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि dp अपॉन dt इक्वल टू f एक्सटर्नल है या कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है अतः जब कणों के किसी निकाय यानी सिस्टम पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य होता है तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग अचर रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर एडिशन जीरो है तो उसका रेखीय संवेग कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। यह कणों के एक निकाय के लिए लागू होने वाला रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम है। यही कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम है। समीकरण 6.15 के कारण इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जब निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य होता है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं, चाहे जैसे कहिए दोनों बातें एक ही हैं। करा इस अध्याय में कणों के निकाय का अध्ययन करते समय हम हमेशा यह मान कर चलेंगे कि निकाय का कुल द्रव्यमान अचल रहता है। ध्यान दीजिए, ये हमेशा मान के चलना है कि जो मास है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। अचर का मतलब चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता। ध्यान दें कि आंतरिक बलों के कारण यानी उन बलों के कारण जो कण एक दूसरे पर आरोपित करते हैं, किसी विशिष्ट कण का गमन पथ काफी जटिल हो सकता है। फिर भी यदि निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र अचर वेग से ही चलता है, अर्थात मुक्त कण की तरह समगति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। तो ध्यान दीजिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए कि कह रहा है कि यदि इंटरनल फोर्स लग रहे हो और उसके कारण कण एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं किसी विशिष्ट कण
कण का गमन पथ काफी जटिल हो सकता है। अगर इंटरनल फोर्स लग गए तो जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो काफी डिफिकल्ट हो सकता है। फिर भी यदि निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र अचर वेग से ही चलता है। तो ध्यान दीजिए, केवल एक्सटर्नल से मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता है, अर्थात मुक्त कण की तरह समगति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। यानी जैसे फ्री बॉडी चलती है वैसे ही चलेगा, इंटरनल फोर्स कितना भी लगे इससे मतलब नहीं। अब देखिए नीचे जो फिगर दिखाया गया है इसको अगर हम सही से समझ लें तो सारी बातें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए कह रहा है कि सदिश समीकरण 6.18a जिन सदिश समीकरणों के तुल्य है वो हैं। तो 6.18a देखिए ये है कि dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो या p इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स जितने लग रहे हैं उनका वेक्टर एडिशन जीरो है। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में मान मतलब एक्सटर्नल फोर्स का एडिशन जीरो है। तो ये मान लीजिए कोई बॉडी है और यहाँ पर दो पार्ट में बट जाती है, ये रेडियम है, रेडियम से हीलियम और रेडान बन जाता है, ये रेडियम है पार्टिकल केमिस्ट्री में जो पढ़े। तो ये सेंटर ऑफ मोशन मास का सेंटर ऑफ मास का ये मोशन है पार्टिकल, हीलियम इधर जा रहा है और रेडान इधर, मतलब ये दो पार्ट में टूट गए। एक तरह से कोई बॉडी होती पत्थर होता तो वो दो पार्ट में टूटता, तो ऐसे ही हम लोग लिखते। तो एक तो ये हो गया कि हीलियम इधर जा रहा है, रेडान इधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास का ये जो है मोशन को इसको क्रॉस किया है, इसको अभी समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हीलियम इधर जा रहा है, रेडान इधर जा रहा है, आ रहे ये हैं, तो दोनों क्या क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा पी एक्स है ये सी वन होगा, पी वाई हमारा सी टू होगा और पी जेड हमारा सी थ्री होगा। पी एक्स को सी वन लिखेगा, पी वाई को सी टू लिखेगा, पी जेड को सी थ्री लिखेगा, जहाँ पी एक्स पी वाई पी जेड कुल रेखीय संवेग सदिश पी के क्रमशः एक्स वाई एवं जेड दिशा में अवयव यानी कंपोनेंट है और सी वन सी टू सी थ्री हमारे अचरांक है यानी कांस्टेंट। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो मोमेंटम लिनियर मोमेंटम है वो ये एक्स वाई जेड हमको एक्स वाई जेड एक्सिस में कंपोनेंट के बारे में बताता है कि जो हमारा संवेग है उसके एक्स वाई जेड घटक है और सी वन सी टू सी थ्री हमारे अचरांक यानी कांस्टेंट है। तो आप देखिए नीचे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है एक भारी, पहले इसको फिगर को समझेंगे फिर आगे समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा तो है लेकिन ये फिगर में कहीं बताया नहीं है, तो इसको समझ पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक भारी नाभिक रेडियम आरे एक अपेक्षाकृत हल्के नाभिक रेडान एवं एल्फा कण जिसको हीलियम परमाणु का नाभिक एच ई भी कहते हैं में विखंडित होता है। इसी को हीलियम नाभिक को ही हम लोग एल्फा कण भी कहते हैं। निकाय का द्रव्यमान केंद्र समगति में है, जो निकाय का सेंटर ऑफ मास है द्रव्यमान केंद्र है वो समगति में है, मतलब अपनी वैसी ही समान गति में है जैसे पहला था। दूसरे में क्या कह रहा है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिर अवस्था में उसी भारी कण रेडियम आरे का विखंडन हो रहा है। ये जो बी फिगर दिया गया है दोनों उत्पन्न हुए कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। तो कह रहा है अगर द्रव्यमान केंद्र स्थिर हो जाए तो हीलियम और रेडान एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो दोनों फिगर को समझिए कि अगर इस तरह जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास इस तरह इसी लाइन में गति करेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास गति न करे तो दोनों पार्टिकल विपरीत दिशा में उसी लाइन में गति करेंगे। इसीलिए लाइन में गति कर रहे हैं तो लिनियर मोशन कहा गया है, लिनियर मोमेंटम कहा गया, रेखीय संवेग। तो ध्यान दीजिए जब सेंटर ऑफ मास स्थिर है तो उसी लाइन में विपरीत दिशा में दोनों पार्टिकल गति कर रहे हैं, और जब हमारे पार्टिकल एक लाइन में गति नहीं कर रहे तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन में गति कर रहा है
जहां से पहले पार्टिकल जिस लाइन दिशा में चल रहा था, ये समझाने का मतलब। आप देखिए आगे कह रहा है एक उदाहरण के रूप में आइए रेडियम के नाभिक जैसे किसी गतिमान अस्थायी नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय पर विचार करें। रेडियो एक्टिव क्षय यानी रेडियो एक्टिव डीके, इसका मतलब होता है कि किसी भी एक पदार्थ या कोई एलिमेंट हो, तत्व हो, उसके नाभिक से अल्फा बीटा कण एवं गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, या इसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिवता। रेडियम का नाभिक एक रेडान के नाभिक और एक अल्फा कण में विखंडित होता है, जैसा फिगर ऊपर हमने देखा है। क्षय कारक बल निकाय के आंतरिक बल हैं, इंटरनल फोर्स हैं चूंकि, और उन पर प्रभावी वाह बल नगण्य है यानी नेग्लेक्टेड है या जीरो है, अतः निकाय का कुल रेखीय संवेग क्षय से पहले और क्षय के बाद समान रहता है। तभी जिधर सेंटर ऑफ मास गति कर रहा है पहले रेडियम उधर ही गति कर रहा था। विखंडन में उत्पन्न हुए दोनों कण रेडान का नाभिक एवं अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार चलते हैं कि उनके द्रव्यमान केंद्र का गमन पथ वही बना रहता है जिस पर क्षयित होने से पहले मूल रेडियम नाभिक गतिमान था। चित्र 6.13 अभी हमने ऊपर देखा, जो हमने बताया वही चीज लिखी। यदि हम एक ऐसे संदर्भ फ्रेम से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस क्षय प्रक्रिया को देखें जिसमें द्रव्यमान केंद्र स्थिर हो, तो इसमें शामिल कणों की गति विशेष कर सरल दिखाई पड़ती है। उत्पन्न हुए कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में इस प्रकार गतिमान है कि उनका द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहे, जैसा चित्र 6.13b में दिखाया गया है। तो दोनों फिगर हमने देख लिया है और अच्छे से समझ लिया। अब देखिए एक फिगर ये दिख रहा है कि ये पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे चलेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह चलेगा। तो ध्यान दीजिए कि जब पार्टिकल एक सीधी रेखा में चलेंगे और विपरीत दिशा में तो सेंटर ऑफ मास स्थिर रहेगा, और जब पार्टिकल इस तरह चलेंगे तो सेंटर ऑफ मास एक सीधी रेखा में चलेगा। तो कुल मिला के जब पार्टिकल सीधी रेखा में चलेंगे विपरीत दिशा में तो सेंटर ऑफ मास स्थिर रहेगा, और जब पार्टिकल इधर उधर चलेगा तो सेंटर ऑफ मास सीधी रेखा में चलेगा। तो यहाँ पर देखिए S1 और S2, ये अगर यहाँ पर दो स्थितियाँ देखी जहाँ पार्टिकल के चलने की, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, इसलिए C पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास को स्थिर माना जा सकता है, यह स्थिति बन जाती है। तो बाइनरी निकाय बनाते दो नक्षत्रों S1 एवं S2 के गमन पथ जो क्रमशः बिंदु रेखा एवं सतत रेखा द्वारा दर्शाए गए हैं, उनका द्रव्यमान केंद्र सी समगति में है। तो देखिए ऐसे ऐसे चल रहे हैं, दो हैं, एक ही ऐसे चल रहा है जिसमें पूरा फुल लाइन बनाई गई है, जिसमें डॉट डॉट लाइन बनाई गई है, ये दूसरा है। ये दो अंतरिक्ष में कोई नक्षत्र है, उल्का पिंड हो सकते हैं, वो चल रहे हैं। बी में क्या कह रहा है, कह रहा है उसी बाइनरी निकाय की गति जब द्रव्यमान केंद्र सी स्थिर है। तो जब द्रव्यमान केंद्र सी स्थिर होगा तो ये इस प्रकार गति करेंगे, S1 इधर S2 इधर, ये दो पॉइंट मान सकते हैं हम यहाँ। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कणों के निकाय संबंधी बहुत सी समस्याओं में जैसा ऊपर बताई गई रेडियो एक्टिव क्षय यानी रेडियो एक्टिविटी के संबंधी समस्या में दर्शाया है, प्रयोगशाला के संदर्भ फ्रेम की अपेक्षा द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम में कार्य करना आसान होता है। तो प्रयोगशाला में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपेक्षा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम काम करें तो ज्यादा आसान है। खगोलिकी में यानी एस्ट्रोलॉजी में युग्मित बाइनरी नक्षत्रों का पाया जाना एक आम बात है। इस तरह के जो नक्षत्र पाए जाते हैं, इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है इन एस्ट्रोनॉमी बाइनरी यानी डबल स्टार इज ए नक्षत्र मतलब स्टार कॉमन ऑकरेंस। बाइनरी यानी डबल स्टार चलते हैं जैसा फिगर में दिखाया गया है, ये कॉमन बात है एक तरह से। यदि कोई वाह बल ना लगा हो तो किसी युग्मित नक्षत्र यानी डबल
स्टार का यानी बाइनरी स्टार का द्रव्यमान केंद्र एक मुक्त कण की तरह चलता है, जैसा चित्र 6.14a में दर्शाया गया है, ऊपर हमने देख लिया। चित्र में समान द्रव्यमान वाले दोनों नक्षत्रों के गमन पथ भी दर्शाए गए हैं, बगल में देखा है, वे काफी जटिल दिखाई पड़ते हैं। यदि हम द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम से देखें, यानी फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास से देखें, तो हम पाते हैं कि ये दोनों नक्षत्र द्रव्यमान केंद्र के परितः एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, जबकि द्रव्यमान केंद्र स्थिर है, जैसा ऊपर चित्र में देखा। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर हम फोकस करें तो सारी गतियां बड़े आसानी से दिखती। ध्यान दें कि दोनों नक्षत्रों यानी स्टार्स को वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर पाथ के व्यास यानी डायमीटर के विपरीत सिरों पर बने रहना, चित्र 6.14b जैसा हमने ऊपर देखा। इस प्रकार इन नक्षत्रों का गमन पथ दो गतियों के संयोजन से निर्मित होता है, एक तो द्रव्यमान केंद्र की सरल रेखा में समांग गति, दूसरा द्रव्यमान केंद्र के परितः नक्षत्रों की वृत्ताकार कक्षाएं। तो दो प्रकार के होते हैं, सेंटर ऑफ मोस की सरल रेखा में समांग गति यानी होमोजेनियस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ए लाइन, और दूसरा सेंटर ऑफ मास के अराउंड स्टार्स का सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन। अब देखिए कह रहा है कि उपरोक्त दो उदाहरणों से दृष्टव्य है यानी स्पष्ट हो जाता है कि निकाय यानी सिस्टम के एकल कणों की यानी सिंगल पार्टिकल की गति को द्रव्यमान केंद्र की गति और द्रव्यमान केंद्र के परितः गति में अलग करके देखना एक अत्यंत उपयोगी तकनीक है, जिससे निकाय की गति को समझने में सहायता मिलती है। तो हमने अभी सेंटर ऑफ मास के मोशन, एक्सीलरेशन, फोर्स और मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम के बारे में अच्छे से समझा और पढ़ा। अब आगे आ जाता है हमारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।